ओके तो भाई फाइनली क्राउन ज्वेल खत्म हो चुका है। क्राउन ज्वेल के बाद अब आगे का क्या कहानी होने वाला है इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे क्राउन ज्वेल पे प्रीव्यू कैसा था इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना मतलब ऑनेस्ट यहाँ पर ओपिनियन देने वाला हूं, क्योंकि डब्ल्यूई वाले ने तारीफ करने के लिए ना ही मुझे पैसा दिया ना ही डब्ल्यूई वाले मुझे ब्रांड एंबेसडर बना रहे। तो भाई आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच को लेकर मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है। मैं जिस तरीके से सोचा था कि ये मैच काफी कमाल का होगा भाई उस लेवल का हमें मैच देखने को नहीं मिला। अगर आप लोगों ने ये वाला पूरा मैच देखा होगा तो उस पूरे मैच के अंदर सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा यहाँ पर लेजी दिखाई दे रहे थे। इस पूरे मैच के दौरान ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे थे सेथ रॉलिंस के कंपैरिजन में, पर उसके बावजूद भी इस मैच के अंदर एज एक्सपेक्टेड सेथ रॉलिंस को चैंपियन बना दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता भी था यही भाई मतलब होने वाला। वैसे भाई मैं इस मैच को सिर्फ 3 स्टार का रेटिंग देना चाहूंगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस लेवल का समझ रहा था भाई उस लेवल का ये मैच देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ अगर हम लोग ड्रू मैकइंटायर के बारे में बात करें तो भाई ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो जिस तरीके से ट्रीटमेंट ड्रू मैकइंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मिल रहा है शायद और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा भी सकते। वैसे मैच के बाद हमें जो मनी इन द बैंक कैसिन का जो सेगमेंट देखने को मिला था मेरे ख्याल से काफी अच्छा यह सेगमेंट था। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यहाँ पर अगेन जब मनी इन द बैंक कैसिन नहीं करवाई तो मतलब कहां करवाएगी किसी को भी नहीं पता। अब शायद से आपको रॉयल रंबल के अंदर शायद से आपको डेमन प्रिंस का मनी इन द बैंक कैसिन देखने को मिल सकता, आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते। वैसे भाई अगर हम लोग सेथ रॉलिंस का आगे का कहानी के बारे में बात करें तो सेथ रॉलिंस सर्वाइवल सीरीज के अंदर अपना चैंपियंस बेल्ट को मेरे ख्याल से डिफेंड नहीं करने वाले, क्योंकि भाई अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच भी अगर होता है सर्वाइवल सीरीज के अंदर तो इसके अंदर भी सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को ही फेस करेंगे। रोमन रेंज के बारे में अलग ही रिपोर्ट निकल कर सामने आया कि रोमन रेंज शायद से सर्वाइवल सीरीज के अंदर होने ही नहीं वाले। मे भी मेरे ख्याल से वार गेम जो मैच होता है मेरे ख्याल से उसके अंदर आपको सेथ रॉलिंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद बस जिस तरीके से फिन वाला आकर चैलेंज किया, शिंसुके नाकामुरा आकर चैलेंज किया, ड्रू मैकइंटायर आकर चैलेंज किया, उसी तरीके से सर्वाइवल सीरीज के बाद मतलब कोई और रेसलर आकर मतलब चैलेंज कर सकता है सेथ रॉलिंस। मे बी सीएम पंक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है सर्वाइवल सीरीज के अंदर, तो आपको सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का उसके आगे का स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई करेंट टाइम में डब्ल्यूई वाले अपने कंपनी के अंदर जो ड्रामा कर रहे हैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग फेटल 5 मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करना। वो जो बाजीराव मस्तानी फिल्म का नहीं मतलब डायलॉग है कि मतलब गैरों से क्या सिखाया था मतलब कांटे तो अपने का चुप। तो जब सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर जिस मैच से मुझे उम्मीद था उस मैच ने उस लेवल का डिलीवर नहीं किया, तो भाई मेरे ख्याल से ये मैच भी उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा था। ऑब्वियस सी बात है भाई मतलब इस मैच के अंदर 5 वुमेन्स रेसलर थे तो मतलब रेसलिंग काफी कमाल का हमें देखने को मिला। रिया रिप्ली का अगर हम लोग आगे का स्टोरी के बारे में बात करें तो भाई रिया रिप्ली के सामने छोटा मोटा कोई और अपोनेंट फ्यूचर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, या फिर शायद वो योशिकाई के साथ मतलब मैच कर सकती है सर्वाइवल सीरीज के अंदर, मतलब इनके साथ कुछ खास नहीं होने वाला। रिया रिप्ली बेसिकली जजमेंट डे के साथ रहती तो मतलब उनका आगे का स्टोरी लाइन भी जजमेंट डे के साथ ही चलने वाला है, क्योंकि भाई मतलब आपको ही पता है इनके सामने मतलब कोई भी अपोनेंट आ जाए मतलब इनको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग जॉन स्नो सोलो सिकोवा के मैच के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग। अगर इस मैच को अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो भाई जॉन स्नो का एज करेंट टाइम में काफी ज्यादा हो चुका, करेंट टाइम में सोलो सिकोवा के नए रेसलर है, तो हमें उस लेवल का कनेक्शन इन दोनों रेसलर के बीच में देखने को नहीं मिला था। पर हाँ डब्ल्यू वाले ने काफी अच्छे तरीके से इस मैच को डिलीवर किया। सबसे अच्छा बेसिकली मुझे इस मैच का एंडिंग लगा जिस तरीके से डब्ल्यू वाले यहाँ पर डोमिनेट सोलो सिकोवा के दिखाई मतलब काफी अच्छा उन्होंने किया। भाई ऐसे भी जॉन स्नो मतलब सारे रेसलरों से मतलब हारते हैं तो मतलब सोलो सिकोवा से हार गए तो मतलब कोई बड़ा बात नहीं इनके। थोड़ा मुझे दुख जरूर हो रहा है कि हाँ जॉन स्नो इतने बड़े रेसलर और इस तरीके से हार रहे हैं, पर हाँ भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मतलब फ्यूचर बना रहे। ठीक है, इस मैच से मुझे बहुत ज्यादा शिकायत नहीं, डब्ल्यू वाले ने जिस तरीके से मैच को बुक किया मेरे ख्याल से काफी अच्छा। ऐसे भाई सोलो सिकोवा का आगे का स्टोरी मेरे ख्याल से करंट टाइम में कुछ भी नहीं होने वाला, सोलो सिकोवा ब्लड लाइन के अंदर ही रहने वाला, फ्यूचर आने वाला टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेसलमेनिया 40 के बाद ही सोलो सिकोवा मतलब सिंगल रन में आते हुए आपको दिखने वाले। रेसलमेनिया 40 से पहले मेरे ख्याल से रोमन रेंज के साथ ही मतलब सोलो सिकोवा आपको रहते हुए दिखने वाले। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग हबीबी के सेगमेंट के बारे में बात करें तो भाई पूरे क्राउन ज्वेल का सबसे बेस्ट सेगमेंट मुझे एक्चुअली यही लगा था। और भाई अगर आपको नहीं पता तो मिस का भाई बेबी फेस टर्न हो चुका है, मिस करंट टाइम एक हील रेसलर नहीं एक बेबी फेस रेसलर बन चुके हैं। उन्होंने ग्रेसन वॉलर के ऊपर अटैक भी किया था जो कि देखने में बड़ा कूल लगा था। मेरे ख्याल से करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब रोमन रेंज के बाद मतलब सबसे एंटरटेनिंग रेसलर करंट टाइम मेरे ख्याल से मिस ही लगता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग लोगन पॉल के मैच के बारे में बात करें तो भाई मैं इस मैच का जितना तारीफ करूं मेरे ख्याल से उतना तारीफ कम होगा। लोगन पॉल भाई एक 6 फुट का रेसलर और रे मिस्टर भाई एक 5 फुट से भी कम का मतलब रेसलर 5 फुट का होगा। जिस तरीके से केमिस्ट्री हमें इन दोनों रेसलर के बीच में देखने को मिला मतलब भाई सच में मतलब इनक्रेडिबल था, नेक्स्ट लेवल का। पूरे क्राउन ज्वेल पे-पर-व्यू का सबसे बेस्ट मैच अगर किसी ने डिलीवर किया तो लोगन पॉल और रे मिस्टर ही थे एक्चुअली। रिक फ्लेयर ने भाई ये बात बिल्कुल सही बोला था कि करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर के 80% रेसलर से ज्यादा बेटर रेसलिंग मतलब लोगन पॉल का। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से इनका 5वां या 6वां मैच होगा उसी मैच के अंदर इतना बेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया। भाई अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सैंटोस स्क्वाड जानबूझकर इस मैच के अंदर रे मिस्टर को हरवाए थे। अब आपको सैंटोस स्क्वाड वर्सेस रे मिस्टर के बीच में आपको बहुत सारे रिवलरी देखने को मिलने वाले। मतलब करंट टाइम में LWO जो फ्रैक्शन है करंट टाइम उसका 2 पार्ट होने वाला, मतलब मेरे ख्याल से रे मिस्टर या तो वापस जाएंगे या फिर सैंटोस स्क्वाड वापस जाएंगे। भाई अगर हम लोगन पॉल के बारे में बात करें तो डब्ल्यूई वाले का यहाँ पर सबसे सैडिसन था इस मैच के अंदर लोगन पॉल का विन करवाने, क्योंकि भाई रे मिस्टर करंट टाइम ऑलरेडी रिटायर होने के मतलब कंडीशन में आ चुके हैं, तो रे मिस्टर के यहाँ पर चैंपियन रहना मतलब बहुत ज्यादा सेंस बनाता भी नहीं था। अब आपको करंट टाइम में लोगन पॉल के सामने बहुत सारे क्रेजी अपोनेंट देखने को मिलने वाले, जैसे ग्रेसन वॉलर सबसे पहले होने वाले, केविन होस उसके बाद होने वाले, मे बी फ्यूचर के
अंदर लोगन पॉल बहुत ज्यादा हमें एंटरटेन करते हुए दिखेंगे। सबसे फर्स्ट ओपोनेंट मेरे ख्याल से इनका केविन ओवंस होने वाला है। आपको शायद से केविन ओवंस वर्सेस लोगन पॉल का रिवैली आपको शायद से नेक्स्ट स्मैकडाउन से मतलब देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम योशिका और बियांका ब्लेयर के मैच को अगर बात करें तो भाई इस मैच से मतलब मुझे पहले ही बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। लिटरली करंट टाइम वुमेन्स डिवीजन का जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रहा है मतलब मैं करंट टाइम लिटरली मैं हेट करता हूं। तो इस मैच को ना ही मैं पैसा छापने के लिए वीडियो के अंदर कवर किया था, मतलब ना ही मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा। वैसे भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको कायरी सेन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक्जेक्टली वही वो कायरी सेन वापस आ चुका है। अब कायरी सेन के आने के बाद मतलब डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन का पूरा मतलब स्टोरी लाइन ही बदल जाने वाला है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान दोगे तो कायरी सेन के आने के बाद यहाँ पर बेली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेली यहाँ पर नाराज हो जाती है। योशिकाय को चैंपियंस बेल्ट डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बेली सबसे ज्यादा अपना योगदान देती है। बेली सबसे ज्यादा यहाँ पर मार खाती है। उसके बावजूद यहाँ पर जो योशिकाय रहती है वो कायरी सेन के साथ यहाँ पर मतलब सेलिब्रेशन वगैरह करना शुरू कर देती है। तो सिंपल अब आपको डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन का आपको ब्रेकअप बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला मेरे ख्याल से एक मंथ के अंदर हो जाने वाला। साथ ही साथ भाई करंट टाइम बेली जो है एक बेबी फेस रेसलर बन जाएगी। मेरे ख्याल से बेली को डब्ल्यू वाले सिंगल रन देने वाले। ये सब सारा चीज मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्मैकडाउन से आपको देखने को मिल जाने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग कोडी रोड्स और डेवन क्रिस के मैच को और बात करें तो भाई मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा डब्ल्यू वाले मतलब इस मैच को डाली ही क्यों। चलो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं डब्ल्यू वाले एक्चुअली करंट टाइम में क्या ड्रामा कर रहे कोडी रोड्स के साथ। करंट टाइम में कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले मतलब इतना ज्यादा ओवर रेट कर चुके मतलब इनके सामने जितने ओपोनेंट आते हैं सारे ओपोनेंट मतलब यहां पर फीके दिखाई देते हैं। सेथ रॉलिंस के साथ भी मतलब करंट टाइम यही ड्रामा चल रहा है। मतलब इस बंदे का कमर टूटा हुआ उसके बाद भी मतलब ड्रू मैकइंटायर जैसे रेसलर को हरा दे रहा है। ये जो करंट टाइम है डब्ल्यू वाले संदीप महेश्वरी 2.0 को इतना ज्यादा मतलब बेबी फेस दिखा रहे मतलब बाद में जाकर ये प्रॉब्लम होने वाला है। एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ऑडियंस बहुत ज्यादा बू करना शुरू कर दी जैसा 2019 के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ की। ये मेरे ख्याल से आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। डब्ल्यू वाले मतलब लिटरली भाई कुछ भी नहीं कर रहे इनका स्टोरी लाइन के अंदर। आई होप मैं डब्ल्यू वाले से मतलब हाथ जोड़कर प्रे करूं कि मतलब ये मतलब जजमेंट डे के स्टोरी लाइन के साथ मतलब भाई इनको बिल्कुल ही इन्वॉल्व ना करो। जो ड्रामा हमें मंडे नाइट रॉ ऊपर देखने को मिलता था वही ड्रामा हमें यहाँ पर भी देखने को मिला जस्ट। और भाई मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर और गुंथर के अलावा कोई और रेसलर करंट टाइम है ही नहीं मतलब जो कि कोडी रोड्स के लेवल का। मतलब डब्ल्यू वाले करंट टाइम मतलब किसी तरीके से टाइम पास करे भाई। मैं होप कर रहा हूँ कि मतलब इनका स्टोरी लाइन अब आगे ना बढ़े। पर अगर हम लोग रियलिटी का बात करें तो भाई इनका स्टोरी लाइन भी करंट टाइम में खत्म नहीं होने वाला। इनका स्टोरी लाइन सर्वाइवल सीरीज तक जाने वाला है। इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको जो वार गेम देखने को मिलने वाला उसको मतलब एक तरफ जजमेंट डे के सारे मेंबर होने वाले और अपोजिट टीम के अंदर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स होने वाले जे उसो होने वाले सैमी ज़ेन होने वाले ये सब मतलब सारे रेसलर होने वाले। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को 100% कंफर्म मान लो कि मतलब इनका ड्रामा अभी चलने वाला सर्वाइवल सीरीज था। सर्वाइवल सीरीज के बाद मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले कोई एक नमूना को पकड़ कर लाएगी मतलब यहाँ पर कोडी रोड्स के सामने लाकर खड़ा कर देगी। नेक्स्ट अगर हम अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के मैच को और बात करें तो भाई इस मैच से मुझे जितना उम्मीद था उस लेवल का उम्मीद हमें देखने को नहीं मिला। सबसे पहले भाई मतलब ये जो मैच था भाई मैच का क्वालिटी मेरे ख्याल से बहुत नंबर वन था। मैच काफी अच्छा मुझे लगा था। भाई रोमन रेंज का जितने भी मैचेस होते हैं सारे मैचेस का एंडिंग में आपको बहुत ज्यादा इंटेंस आपको फाइट देखने को मिलता है। हमें इस मैच के अंदर उस लेवल का इंटेंस फाइट देखने को नहीं मिला। बहुत आसान तरीके से इस मैच के अंदर एलेनाइट मतलब हार गए। हां मुझे यहां पर शिकायत एलेनाइट से नहीं भाई एलेनाइट काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर किए थे। पर भाई मतलब डब्ल्यू वाले के पास मतलब करंट टाइम में ये समस्या कि मतलब डब्ल्यू वाले करे क्या। देखो डब्ल्यू वालों को मतलब रोमन रेंज को हरवाना नहीं है मतलब सारे मैचेस का रिजल्ट उनको सेम रखना है। मिला जुला कर मतलब उनके पास एक ब्लड लाइन फैक्शन हो तो ब्लड लाइन फैक्शन के अंदर मतलब वो झगड़ा दिखाते रहते हैं। किसी पेपर व्यू के अंदर सैमी ज़ेन का हिल्टन देखने को मिला, किसी के अंदर जिमी उसो का, किसी के अंदर जे उसो का। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले का मतलब ये सब सारा ड्रामा मतलब खत्म हो चुका है। करंट टाइम इनके पास कुछ नया है ही नहीं दिखाने के लिए। इसलिए मैं जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मैच का एंडिंग हमें कुछ धमाके तरीके से देखने को मिला भाई मेरे ख्याल से वो चीज नहीं हुआ। रोमन रेंज वो रेसलर जो कि पूरे साल में 4-5 मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसल करता हूं। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हां रोमन रेंज कुछ अच्छा देगा इस मैच के अंदर। भाई सैड रियलिटी है कि डब्ल्यू वाले के पास मतलब करंट टाइम में कुछ बचा ही नहीं मतलब क्या दे इस मैच के अंदर। बहुत अगर इस मैच के अंदर डब्ल्यू वाले अगर कुछ करती तो मेरे ख्याल से जे उसो को ला सकती थी इस मैच के अंदर। पर भाई मतलब लाकर क्या ही करती हो। वैसे मुझे नहीं पता आप सेटिस्फाई हो फिर नहीं सेटिस्फाई हो, पर हां भाई मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई रोमन रेंज की इस मैच से नहीं। रोमन रेंज अगर 4 महीने बाद अगर वापस आते हो उनका इस तरीके से स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा तो भाई मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। इससे पहले रोमन रेंज के जितने भी मैचेस देखने को मिले थे सारे मैच से भाई मैं 100% सेटिस्फाई तो मैं वीडियो के अंदर बताया भी था। वैसे भाई अब आपको रोमन रेंज टाटा बाय बोलकर पूरे 3 महीने के लिए जाने वाला है। आपको सीधे रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ मेरे ख्याल से अगले स्मैकडाउन के ऊपर आपको रोमन रेंज देखने को मिल सकता है। भाई आपको कैसा लगा क्राउन जेवल का पूरा पेपर व्यू? आप लोग सारे लोग दिल पर हाथ रख के इस बात को बताइए। सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।